जोधपुर लोकसभा सीट के लिए भी सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदाता काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के 21,14,000 से ज्यादा मतदाता 15 प्रत्याशियों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तरह के इंतजाम किए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा जुड़ चुके हैं। सुमित से बात करते हैं। जी सुमित, मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए करीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल है? जी सुमित। देखिए मैं इस वक्त लोकसभा सीट के एक बूथ पर हूँ और जिस तरह से हालांकि देखिए गर्मी का असर जरूर है, मारवाड़ का क्षेत्र है और खासकर जोधपुर जोधपुर की बात करें तो यहाँ जो सूर्य नगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है सूरज की तपन देखने को मिलती है। इसके बाद में अभी सुबह से जो मतदाताओं में उत्साह है मतदान करने का वो साथ साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से लाइन वोट कर रहे हैं। देखिए आप हालांकि अभी 10 ही बजे है लेकिन सीधी धूप गिर रही है। हालांकि जिस तरह से प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में प्रथम चरण से ज्यादा जो है प्रशासन ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की है और तमाम जो इंतजाम किए हैं खासकर गर्मी को लेकर जगह जगह टेंट भी लगाए गए हैं जहाँ जिससे लोग जो है लाइनों में खड़े होकर मतदान कर सके। देखिए जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें और मतदाताओं की बात यहाँ पर यहाँ पर 21,32,000 से ज्यादा मतदाता है जिसमें से 11,16,000 जो है वो पुरुष मतदाता है, वहीं 10,15,000 जो है महिला मतदाता है और 47 ट्रांसजेंडर मतदाता है। सुमित जोधपुर यही की जो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है जी सुमित जोधपुर की काफी हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, दूसरी तरफ करण सिंह उजाड़ा है, तो इसको लेकर मतदाताओं में कितना कुछ उत्साह चल रहा है? जी देखिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोधपुर जो है हालांकि राजस्थान की राजधानी जयपुर मानी जाती है लेकिन राजनीतिक राजधानी जोधपुर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ से कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं और इस बार भी जो है हर बार की तरह कांटे की टक्कर मानी जा रही है और हॉट सीट मानी जा रही है। जी देखिये तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है चुनावी मैदान में है भाजपा की ओर से, वहीं कांग्रेस ने इस बार नया दांव खेलते हुए करण सिंह उजाड़ा को जो है टिकट दिया। देखिए जाति समीकरण भी यहाँ पे काम करते हैं और दोनों राजपूत कैंडिडेट हैं जिससे भी इस बार जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लगातार जो है भाजपा अपने 10 वर्ष के कार्यों को जनता के बीच में लेके जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, तमाम जो ऋण योजना है, स्टार्टअप योजना है, तमाम योजनाएं कुल मिलाकर सुमित कुल मिलाकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी सुमित, सुमित निर्वाचन विभाग ने जिस तरीके से जो नवाचार किए हैं उनका प्रभाव अब तक पिछले 3 घंटों का जो मतदान प्रक्रिया हुई है उसमें कितना कुछ प्रभाव आपको नजर आ रहा है? जी सुमित बिल्कुल विकास में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2,364 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 8 पिंक बूथ बनाए गए हैं, साथ में विकलांग मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि जो जिसे विकलांग कर्मचारी पूरी तरह से संभालेंगे, वहीं 8 पिंक बूथ बनाए गए जहाँ पर महिला कर्मचारी जो है वो बूथ जो बूथ को संभालेगी। कहीं ना कहीं जो है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पिछले चुनावों की बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा सीट पर 68% से ज्यादा मतदान रहा था और इस बार पूरा प्रयास जो है प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है कि इस बार पिछले बार के रिकॉर्ड टूटे और इससे ज्यादा मतदान हो ताकि लोकतंत्र का पर्व को हर कोई मनाए। हम भी दूरदर्शन के माध्यम से मतदाताओं को अपील करते हैं कि वो एक दिन घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा ले, इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने। देखिए अभी सुबह से जो मतदान हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पे 10.45% जो है वो अभी तक मतदान हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे तक जो है यह जो मतदान प्रतिशत है वह 30% के आसपास पहुंच सकता है। देखिए गर्मी का मौसम है तो दोपहर के समय जरूर मतदान प्रतिशत कम होता है हर बार, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और शाम के समय फिर से मतदान प्रतिशत में जो है वो तेजी दिखाई देगी। जी विकास जी। जी सुमित, निर्वाचन विभाग ने जिस तरीके से हैप्पी आवर्स के रूप में भी नवाचार किए हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं, तो जो युवा मतदाता है जो युवा है उनको लेकर कितना जोश और उत्साह उमंग वहां पर नजर आ रहा है जोधपुर में?
देखिए, निर्वाचन विभाग ने जो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की है। आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं, बूथों को सजाया गया है और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि युवा, बताता हूँ मैं जो चाहिए, देखिए चाहे विधानसभा चुनाव थे या लोकसभा चुनाव जो अभी है, युवा मतदाताओं की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। इसी को देखिए राजनीतिक पार्टियां भी युवा मतदाताओं को जाने का प्रयास करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में जो है युवाओं के लिए विशेष वर्ग रखा गया है, खासकर रोजगार को लेके। वही जी निर्वाचन विभाग भी है जो युवाओं को बूथ तक कैसे लाया जा सके, और जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है उसी तरह से जो है बूथ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों में उत्साह बने, यहाँ पे जी आके फोटो खिंचवाए जी और मतदाता अपने मत का प्रयोग करें जी ताकि सुमित, मतदान बहुत प्रतिशत बहुत बढ़ सके। शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए।